नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के जेडएक्स न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री से। दोस्तों, रिलायंस जियो ने 5G के अंदर तहलका मचाकर रख दिया है। हाल ही में खबर आई है कि रिलायंस जियो ने 17 शहरों को कवर कर लिया है और फिलहाल भारत के 257 शहरों के अंदर जियो 5G का नेटवर्क आपको मिल रहा है। दोस्तों, अब तक की रफ्तार में जियो सबसे आगे चल रहा है, एयरटेल वोडाफोन सब पीछे रह गए हैं। दोस्तों, बात की जाए एयरटेल की तो एयरटेल काफ़ी पिछड़ रहा है और कई शहरों में जहां पर 5G आ गया है वहां पर लोगों को 5G के रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं, फिर उन्हें नेट यूज़ करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जियो 5G ने वेलकम ऑफर अनाउंस कर दिया है, जिसके चलते एक साल से थोड़ा सा कम समय है तब तक जितने भी जियो के यूज़र्स हैं, अगर उनके पास 5G हैंडसेट है तो वो 5G सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाल ही के रुझान में ये डाटा निकला है, बड़े बड़े यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर ये एक स्पीड का टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जियो की सर्चिंग स्पीड है वो एयरटेल को बीट कर रही है। बेसिकली मोटा मोटी यही कहा जा सकता है कि जियो 5G के सेक्टर में तहलका मचाने जा रही है। वहीं एयरटेल को सबसे बड़ा नुकसान इन दिनों ये देखने को मिलेगा कि उसके जो एक्टिव यूज़र हैं वो गिर सकते हैं, क्योंकि जियो का जो एक रेंज है लगातार बढ़ती जा रही है। बताया गया है कि जियो के अभी भारत के अंदर तकरीबन 39 करोड़ यूज़र हैं और एयरटेल के तकरीबन 35 करोड़ यूज़र हैं और वोडाफोन के 21 करोड़ यूज़र हैं। हाल ही में अक्टूबर के महीने में आंकड़ा आया था, जब 5G की तो अभी जियो ने इतनी कोई लॉन्चिंग नहीं की थी छोटे से बड़े शहरों के अंदर, तब ये डाटा आया था कि 49 लाख जो एक यूज़र हैं उन्होंने शिफ्ट कर लिया जियो के अंदर और वो अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्री से पोर्ट करवा कर या फिर नई सिम लेकर अब यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सारी एक जो सिचुएशन है और इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ख़तरनाक है और बेसिकली एक मोनोपोली बनती जा रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। और बने भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि एयरटेल वालों के अंदर 5G अगर आपको यूज़ करना है तो आपको रिचार्ज कराना होगा, और जियो के अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, लेकिन 4G के रिचार्ज में आप 5G की स्पीड यूज़ कर सकोगे और नेट की तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो 5G। तो आप समझ सकते हो कि कौन बेवकूफ़ होगा जो यहाँ पर एयरटेल की तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी ये सारी सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।